नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। मैं पूनम, आज मैं बनाने वाली हूँ वेज मंचूरियन। तो कैसे मैं बनाती हूँ, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैंने लिया है पत्ता गोभी, जो मैं इसे कट करने वाली हूँ। मैंने धो लिया है, तो इसको क्या करना है, ग्रेट करना है मुझे। तो इसे एकदम बारीक बारीक मैं इसे ग्रेट कर ले रही हूँ। वेल दोस्तों, अब मैंने इसे ग्रेट कर लया है, तो इसमें का सारा पानी मैं निचोड़ लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से इसके पानी देखिए निकल रहा है, तो इसका सारा पानी हमें निकाल लेना है। इतना सारा पानी निकल रहा है। ये वीडियो रिक्वेस्टेड है वेज मंचूरियन, मैं बना रही हूँ। सारा पानी मैंने निकाल लिया है, तो ये मैं पानी को फेंकूंगी नहीं, हमें ये रीयूज करना है। तो ये पत्ता गोभी है, तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं यहाँ से 3 बड़े चम्मच मैदा ले रही हूँ, और मैं 2 चम्मच मकई का आटा ले रही हूँ, यानी कि कॉर्नफ्लोर, और चावल का आटा मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दे रही हूँ, साथ ही साथ थोड़ा सा नमक, और इसमें मैं डाल रही हूँ मिर्ची जो मैंने कूटा था, और साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, कूटा हुआ है। तो इसे हमें इस तरह से मैश करना है। तो हमें पानी पहले नहीं डालना है, इसी तरह इसे गूंथना है। थोड़ा सा चाट मसाला भी डालना है हमें। तो इसके हमें बनाने हैं बॉल्स। इस तरह से बॉल्स बना लेती हूँ, मैं सारे बॉल नहीं बनाऊंगी। आधा करके मैं बॉल बनाऊंगी, एक साथ सब नहीं बनाऊंगी, बिगड़ने लगता है। बस कढ़ाई हो गई है गरम, तो हमें गरम ही तेल लेना है हाई फ्लेम पे। तो इसे हाई फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया। अब मैं इसमें बॉल डाल रही हूँ, तो ये मैंने एक एक करके सारे बॉल्स डाल दिए। गैस को थोड़ा लो फ्लेम पे कर देती हूँ और इसे तल लेती हूँ मैं। तो हमें और थोड़ा इसे पका लेना है, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो अब ये और पकाना है हमें 2 मिनट के लिए। लग रहे हैं ना मज़ेदार। तो ये बाकी के बॉल्स में इसमें डिप कर लेती हूँ। तो वेल दोस्तों, ये देखिए सारे बॉल्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसका कलर देखिए, यही कलर सबसे डिलीशियस रहता है। तो एकदम ये तैयार हो गए हैं। अब मैं वेल दोस्तों, मैंने ये लोहे की कढ़ाई में जो तले थे, इसी में मैं बना रही हूँ इसके स्पाइसेस। मेक श्योर आप भी आयरन की कढ़ाई लें, लोहे की। तो मैं इसमें मिर्ची डाल दे रही हूँ, कुछ इस तरह से हरी मिर्ची। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं, मैंने इसे कूटा हुआ था, पेस्ट भूल दे रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े अनियन जो मैंने मोटा मोटा काटा था। ये बहुत मिर्ची ऊपर डालना है शिमला मिर्ची, आप लाल पीली कोई भी डाल सकते हैं, मेरे पास तो ग्रीन ही थी। ये लॉकडाउन स्पेशल है, तो जो अवेलेबल चीज़ें मैं उसी से ही बना रही हूँ।
हमें सब्जियों को ज्यादा नहीं भूनना है, हाफ कुक करना है। देखिए सब्जी हाफ कुक हो चुकी है, तो मैं इसमें एक चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ और टमाटो केचप डाल रही हूँ 2 चम्मच के तकरीबन। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच डाला है मैंने। इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, पहले भी हमने नमक यूज़ किया था तो उसी हिसाब से डालना है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला तकरीबन आधी चुटकी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अरारोट, ऐसे पानी में डाल के, ये मैंने 1 चम्मच लिया है तो इस तरह से डाल दे रही हूँ। और जो ये पत्ता गोभी का पानी बचा था ना, ये भी हमें इसमें डाल देना है। और मैं चुटकी भर इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, तो ऐसे पका ले रही हूँ थोड़ा। ये देखिए इसका कलर कैसा हुआ है, दे रही हूँ ये। तो ये देखिए मैं मिक्स कर दे रही हूँ, गैस लो फ्लेम पे है। वेल दोस्तों ये पक चुका है तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। इट्स डन वेज मंचूरियन। तो ये सर्विंग के लिए तैयार है दोस्तों, ये वेज मंचूरियन रेडी हो गई। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। क्या हुआ? कैसा है? थैंक यू।